हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। आपकी पढ़ाई का ख्याल करने के लिए हमने एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लाया है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में कुछ भी जानने से पहले कुछ आइए बेसिक बातों की चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो इलेक्ट्रॉन शब्द है ये किसने दिया। तो इलेक्ट्रॉन शब्द जो है स्टूडेंट्स याद रखेंगे, एक मज़ेदार बात कि इलेक्ट्रॉन के खोज के पहले ही दिया गया है इलेक्ट्रॉन शब्द जे स्टोनी ने दिया है। एक्चुअली इसका नाम पहले इलेक्ट्रॉन भी नहीं था, कुछ और था दिया है। और कब तो है, तो ये है 1891 की बात। 1891 में ये इलेक्ट्रॉन शब्द आया। अब देखिए खोज कब हुआ इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज है, खोज करता है कौन है, तो ये है जे थॉमसन। और कब, तो 1897 में। आप देख पा रहे हैं कितने वर्ष पहले की बात है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ, तो ये देखिए ये 6 वर्ष बाद जाके इसका खोज हुआ है। 91 में नाम दिया गया, 97 में खोज हुआ, मतलब जन्म से पहले ही नामकरण हो चुका था। अब आइए इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है स्टूडेंट, जरा उस पर बात करते हैं। क्या है संकेत इलेक्ट्रॉन का सिंबल, ये है देखिए ई के पावर माइनस, या ई भी लिखते हैं या बीटा माइनस भी लिखा जाता है। ये है हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का संकेत हो गया। इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश की प्रकृति है ना स्टूडेंट्स, पहले तो इलेक्ट्रॉन की है प्रकृति की वो आवेशित है। इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, इसकी प्रकृति ये है। और दूसरे इसके बारे में जो जानने वाली चीज़ हमारे लिए इंटरेस्टिंग है वह है कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति, तो आवेश की प्रकृति कैसी है, तो ये ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित, मतलब हो गया नेगेटिवली चार्ज। बिली चार्ज्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, आपको याद रखना होगा इसका सिंबल, खोजकर्ता, इन सब चीज़ों को। अब हमारा तो टारगेट कुछ और है। हमारा टारगेट है, हम ये मकसद लेके चले हैं कि ये जाने कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले स्टूडेंट से और एक दो छोटी छोटी बात करते हैं। ये देखिए एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक्स ने बताया कि जो हवा होता है उससे भी विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि हवा का जो दाब है वो बहुत कम हो जाए। आसमान में बादल गरज रहे स्टूडेंट्स, शायद आपको आवाज़ मिले। तो हवा जो होते हैं, समांतर पे हवा विद्युत जो होता है उसका कुछ चालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है।
ये आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, हवा से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता। विलियम क्रूक्स, विलियम क्रूक्स ने यह दर्शाया कि हवा का दबाव कम कर दिया जाए निम्न दाब पर हवा से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये किसने बताया? तो विलियम क्रूक्स ने बताया। अब आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और छोटी सी बात पे चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे हम लोग, डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नली। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये क्या है। डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नली या विसर्ग नली भी कहते हैं। देखिए डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, तो डिस्चार्ज ट्यूब कांच की एक नली होती है जिसकी लंबाई प्रायः 60 सेंटीमीटर होती है। डिस्चार्ज ट्यूब कांच की एक नली होती है। जिसकी लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर होती है। दूसरी चीज, डिस्चार्ज ट्यूब के जो दोनों छोर होते हैं नली के स्टूडेंट्स, वो क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, और उस छोर पर धातु के दो प्लेट लगे होते हैं। इस नली के दोनों छोरों पर धातु के दो प्लेट लगे होते हैं। अभी आपको दिखा रहा हूं धातु के दो प्लेट लगे होते हैं। कल्पना करिए कैसे हो सकता है, होते हैं। एक बात और, इस प्लेट को इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो प्लेट है उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और एक और बात, विसर्जन नली में एक निर्वात पंप लगा रहता है हवा निकालने के लिए। इसमें एक निर्वात पंप लगा होता है। तो स्टूडेंट्स, इतनी सारी जो व्यवस्था है, इस सेटअप का नाम है विसर्जन नली। अगर मैं इसको एक चित्र बना के आपको दिखाने की कोशिश करूं तो शायद आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि विसर्जन नली क्या होती है। ये देखिए, कुछ इसी तरह की संरचनाएं विसर्जन नली की होती है। इस दोनों छोर पे धातु के दो प्लेट लगे होते हैं और इन्हें बैटरी के दो ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। और ये जो होते हैं ना, यहाँ ये निर्वात पंप है, हवा निकलता है, ये वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप। ये दोनों इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। और इसका जो, याद रखिएगा, जो दाब है वो क्या होता है, हमेशा विसर्जन नली की जब अभिक्रिया कराएंगे ना हम लोग, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इसका जब उपयोग करेंगे, तो यहाँ से हवा निकाल के इसके प्रेशर को क्या कर देते हैं, तो अंदर के प्रेशर को कम कर देते हैं, क्योंकि जब प्रेशर कम होगा तो इससे विद्युत धारा का प्रवाह
हो सकता है। तो इतना स्टूडेंट्स पहले नोट करिए और फिर अब आते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज पे। अब भाई स्टूडेंट्स, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए एक विसर्जन नली ली जाती है। विसर्जन नली का जो प्रेशर है, दाब है, अंदर के जो हवा होते हैं उसको निकाल के घटा दिया जाता है और फिर उसके बाद उसमें हाई वोल्टेज की विद्युत धारा दी जाती है। और देखिए क्या होता है, पहले चित्र बनाएंगे, चित्र की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यह एक विसर्जन नली है, विसर्जन नली में आप जानते हैं एक निर्वात पंप का होना जरूरी है। यही वो निर्वात पंप है, वैक्यूम पंप है, जिससे आप क्या करते हैं तो हवा निकालते हैं। ये हो गया आपका वैक्यूम पंप, निर्वात पंप हो गया। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसके जो दोनों छोर हैं, यहाँ पे धातु के दो प्लेट लगे होते हैं और इन धातु के प्लेटों को बैटरी से हाई वोल्टेज से, एक तरह समझिए कि आप इसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, मतलब ये हुआ कि अब ये कैथोड हुआ और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये प्लस हुआ और ये एनोड हो गया और यहाँ आप लिख सकते हैं ये माइनस हो गया। यहाँ पे लगभग लगभग 10,000 वोल्ट दी जाती है, जिससे होता क्या है स्टूडेंट्स, तो कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं, अदृश्य किरणें, और सीधे ये एनोड की ओर गमन करने लगती हैं, लेकिन केवल इसमें इतना वोल्टेज देने मात्र से ही नहीं निकलती, इसके लिए इसका जो प्रेशर है, दाब है, वो घटाना पड़ता है। तो जब दाब घटा देते हैं और घटा के 0.01 mm कर देते हैं, तो तब देखते हैं कि कैथोड से कुछ किरणें निकलनी शुरू हो गई और वो कहाँ जाने लगती हैं, एनोड की तरफ जाने लगती हैं। चूंकि ये कैथोड से उत्पन्न होती हैं, यही कारण है कि इसका नाम है कैथोड रेज। इन किरणों को कहा जाता है, ये हो गया कैथोड रेज, हो गई कैथोड किरणें हो गई। अब इसको हमें लैंग्वेज में लिखना है स्टूडेंट, तो एक बार पहले सुन लीजिए फिर मैं तो लिख ही दूंगा। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए एक विसर्जन नली ली जाती है, विसर्जन नली का दाब घटाकर 0.01 mm कर दिया जाता है, उसके बाद विसर्जन नली में लगभग 10,000 वोल्ट का जो विभवांतर है वो उत्पन्न किया जाता है, जिससे कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं और सीधे एनोड की ओर गमन करती हैं। चूंकि ये किरण कैथोड से निकलती हैं, अतः इन्हें कैथोड किरण कहा जाता है। तो इसको लैंग्वेज में लिखना होगा हम लोगों को, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब विसर्जन नली लिया जाता है। अब क्या करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब का आप हवा है वो निकालते हैं, दाब घटाते हैं, विसर्जन नली का दाब घटाकर कितना कर देते हैं बोलिए, घटाकर 0.01 mm कर दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें लगभग 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं।
इसमें लगभग कितना, तो 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा, या विभवांतर लिख सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। आप 10,000 वोल्ट की विभवांतर उत्पन्न करते हैं, ये लिखना ज्यादा उचित है, प्रवाहित की जाती है। अब इतना करने से क्या होता है, जिससे कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं और सीधे एनोड की ओर गमन करती हैं, जिससे कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं करती हैं और सीधे कहाँ जाती हैं, सीधे एनोड की ओर, याद रखिएगा, एनोड की ओर गमन करती हैं करती हैं। अब चूंकि ये कैथोड से निकलती हैं, अतः इन्हें, इन किरणों को कैथोड किरण कहते हैं। यहां लिख देते हैं, चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं, अतः इनको क्या कहते हैं, कैथोड रेज, कैथोड किरण कहा जाता है। बस इतनी सी तो बात है स्टूडेंट्स, कोई बहुत ज़्यादा तो बात नहीं हो गई ना। अब देखिए, इसके बाद हमें कैथोड किरण के कुछ गुणों के बारे में पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, इतना अपने नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद कैथोड किरण के गुण के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, कैथोड किरण को आप ऐसा करिए कि दो प्लेट लीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा, उस पे हम लोग आवेश की प्रकृति जानना चाहते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट हो गया, धनावेशित प्लेट हो गया, और ये ऋणावेशित प्लेट हो गया। इसके बीच से आप कैथोड किरण को गुजारिए, तो जैसे आप आवेशित प्लेट के बीच से कैथोड किरण गुजारते हैं, तो ये धन आवेश की ओर जा करके मुड़ जाती है। धन आवेश की ओर जा करके मुड़ जाना ये स्पष्ट कर देता है कि कैथोड किरण पर, यह है कैथोड रेज, चूंकि ये धन आवेश की ओर आकर्षित हो गई, तो धन आवेश की तरफ आकर्षित होना यह बात, इस बात का प्रमाण है कि कैथोड किरणों पे कौन से आवेश है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो ऋणावेशित है। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि जब कैथोड रेज को आवेशित प्लेट के बीच से गुजारा जाता है, तो कैथोड रेज धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं,
मुड़ जाती है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ, मुड़ जाती है, अतः कैथोड किरण ऋण आवेशित होता है। ऋण ये प्रमाणित हो गया, ऋण आवेशित होता है। अब आइए दूसरी चीज जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया पहला गुण, जैसे ये क्लियर हो गया कि कैथोड किरण पे कौन से आवेश होते हैं, तो ऋण आवेश होते हैं। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब इसमें जो है ना, पार्टिकल के नेचर हैं कि नहीं, कण के गुण हैं कि नहीं, ये जानने के लिए देख क्या किया जाता है। तो पॉइंट नंबर दो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ मुख्य गुणों की चर्चा कर पाएंगे हम इस वीडियो में। ये कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणों के सामने जब आप बिल्कुल ही हल्की सी कोई वस्तु रखते हैं तो कैथोड किरण क्या करती हैं, इसमें गति उत्पन्न कर देती है। तो कैथोड किरण इसमें गति उत्पन्न करना इस बात का प्रमाण है, जैसे इसे टकराती है ना कैथोड किरणें, तो उसमें गति उत्पन्न करती है। तो कैथोड किरण जब हल्की वस्तु से टकराती है, गति उत्पन्न करती है, इसका सीधा सा मतलब है कि कैथोड किरण में कण का, पार्टिकल का नेचर है। तो इसको लिखेंगे जब कैथोड किरणें किसी हल्की पिंड से टकराती है तो उसमें गति उत्पन्न कर देती है, उत्पन्न कर देती है। अतः कैथोड किरण में कौन से गुण हैं, यहां पर लिख देते हैं, अतः कैथोड किरण में कण का गुण है, पार्टिकल नेचर है, कण का गुण होता है। ये प्रमाणित हो गया इसे, क्यों, क्योंकि इसमें गति उत्पन्न कर दिया, ये कैथोड रेज है। तो कैथोड रे जब हल्की वस्तु से टकराई, टकरा के उसमें गति उत्पन्न कर दी, इस बात का प्रमाण है कि उसमें क्या है, कण के गुण है, क्योंकि कण जब टकराएगा तो ही गति उत्पन्न कर पाएगा। अब देखिए एक दो और गुणों की चर्चा कर लेते हैं। एक अगर कोई वस्तु है स्टूडेंट्स, उस वस्तु पे अगर कैथोड किरण आ रही है, ये है कैथोड किरण, कैथोड रेस, तो ये वस्तु क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड किरण में हीटिंग इफेक्ट है, वो गर्म कर देती है वस्तु को, पिंड को। तो इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, जब कैथोड रेस किसी वस्तु से, किसी पिंड से टकराती है तो वह पिंड को गर्म कर देती है, देती है। इसका मतलब अर्थात कैथोड रेज में क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है, हीटिंग प्रभाव उत्पन्न करता है, कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न करता है। स्टूडेंट्स कैथोड रे के अभी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।